हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मसाला पापड़ चाट बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें करीब 1.5 कप उबले हुए चने डालेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए उबले आलू, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। याद रहे हम हरी मिर्च ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिलिंग हमारी बन चुकी है। अब हम एक छोटी कटोरी लेंगे। हमें यह पापड़ की कटोरियां बनानी है। इसके लिए हम पापड़ को हल्का सेक कर कटोरी के ऊपर रखेंगे और उसको कटोरी की शेप देंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने पापड़ की कटोरियां कैसे बनाई हैं। अब एक पापड़ लेंगे और उसे गैस पर सेक लेंगे। अब जल्दी से पापड़ को कटोरी पर रखकर इस तरीके से कटोरी की शेप देंगे। याद रहे हम हल्के हाथों से पापड़ को शेप देंगे। पापड़ को ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो पापड़ टूट सकता है। देखिए इस तरीके से पापड़ की कटोरी बन चुकी है। इस तरीके से हम बाकी कटोरियां भी बना लेंगे। अब हम फिलिंग को कटोरियों में डालेंगे। अब चाट के ऊपर इस तरीके से दही को फैलाएंगे। अब ऊपर से सेव डालेंगे। और अनार के दानों से पापड़ चाट को गार्निश कर लेंगे। मसाला पापड़ चाट तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।